अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी कि हम कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कोटक महिंद्रा बैंक की नेट बैंकिंग में हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और आईडी पासवर्ड कैसे ले सकते हैं, वो भी बिना बैंक जाए। जो हमने अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस जाना था उसमें भी हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, हमने घर बैठे मोबाइल से सभी काम किया था और आज भी हम घर बैठे मोबाइल से करेंगे। चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, SBI हो, PNB हो, HDFC हो या कोटक हो, आपको नेट बैंकिंग में जरूर से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि नेट बैंकिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। हम बैंक के ज्यादातर काम ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर चेंज करना, ईमेल आईडी को अपडेट करना, बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करना और भी बहुत सारे काम, फंड ट्रांसफर करना वगैरह। तो कोटक की नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम वेबसाइट पर आ जाएंगे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वेबसाइट में आने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होता है। अगर आपने कोटक की नेट बैंकिंग पहले से ली हुई है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हमको नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी, जैसे आपका CRM नंबर या ATM कार्ड का नंबर, जो भी आपके पास हो वो यहाँ पर आप डालेंगे। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो तुरंत आपको एक CRM नंबर मिलता है, हम CRM नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड हो वो यहाँ पर आप डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा और यही OTP आपकी मेल पर भी पहुंच चुका है, जो ईमेल आईडी आपके बैंक में रजिस्टर्ड है, तो कहीं से भी आप OTP यहाँ पर फिल करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारा नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है वेलकम बैक, तो अनलॉक नेट बैंकिंग वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर कार्ड का नंबर आपसे मांगा जाएगा, जो भी आपका ATM कार्ड हो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन यहाँ पर है, ट्राई अनदर ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, और भी प्रोसेस है इसमें, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रांच जाने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर आपके पास एक वर्चुअल ATM कार्ड होता है, आपको अपना वर्चुअल ATM कार्ड कहाँ से देखना है, आपको कोटक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वहीं पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है कार्ड वाला, कार्ड वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा ऑप्शन डेबिट कार्ड वाला, तो जो भी आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो वहां पर आपको दिखा दिया जाएगा। वहां से कार्ड का आप नंबर देखेंगे और यहां पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कार्ड की बाकी डिटेल डालनी है, जैसे एक्सपायरी मंथ और ईयर पूछी जाती है, तो आपको अपने कार्ड में से देख कर ये फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका CVV डालना है, जो भी आपके कार्ड में दिखा दिया जाएगा, इसका स्क्रीन रिकॉर्ड भी आपको साइड में मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको अपने ATM कार्ड का पिन डालना है, जो भी आपने पिन बनाया हो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और कोटक बैंक के ATM पिन बनाने के लिए आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही ATM मशीन में, आप ऑनलाइन ही मोबाइल ऐप के द्वारा इसका पिन भी बना सकते हैं। हमने अपने कार्ड की सभी डिटेल को फिल कर लिया, उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ऑप्शन आ जाता है सेट न्यू पासवर्ड, आप नेट बैंकिंग के लिए जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। पासवर्ड आपका मिनिमम 8 करेक्टर का होना चाहिए और यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, जैसे पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए और कोई एक स्पेशल करेक्टर और कोई एक नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा, उस तरीके से भी यहाँ पर आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड सक्सेसफुल सेट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर आप अपने CRM नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और सिक्योर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। सिक्योर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे नंबर पर एक OTP आ जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में किसी भी नेट बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए, चाहे आपको पासवर्ड याद हो, आपसे OTP मांगा जाता है, जिससे आपका कोई ट्रांजेक्शन गलत ना हो, कोई फ्रॉड आपके साथ ना हो, तो यहाँ पर हम OTP डालेंगे और यहाँ पर फिर से लॉगिन करेंगे। हमने कोटक की नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन नेट बैंकिंग का हमको कुछ सेटअप पूरा करना होता है, जो हमको यहाँ पर अभी करना होगा, जैसे अपना यूजर नेम हमको क्या बनाना है, या प्रोफाइल पासवर्ड क्या बनाना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या रखने हैं, जिससे भविष्य में अगर हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम आसानी से अपनी नेट बैंकिंग को एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर हम सेटअप को पूरा करेंगे, तो बींग सेटअप पर क्लिक करेंगे। बींग सेटअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई भी एक यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। यूजर नेम बनाने के बाद आपसे 4 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका आपको जवाब देना है। आपके लिए अच्छा ये रहेगा, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करें, उसका आंसर अगर आप कोई भी एक देते हैं, चाहे अपना नाम रख लो, फादर नेम रख लो, तो उससे एक बेनिफिट होगा, भविष्य में आपको अपना आंसर नहीं भूलते हैं। और अगर आप अपना पासवर्ड या कोई भी चीज भूल जाते हैं तो आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन है, फेवरेट स्कूल है,
मदर फादर नेम है या डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी का भी आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर फेवरेट मूवी है, तो मैं यहाँ पर 4 क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। अगर आप इससे ज्यादा ऐड करना चाहते हैं तो उससे ज्यादा भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिए गए 4 क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है और इन सभी में मैंने आंसर के तौर पर अपना नाम डाल दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने क्वेश्चन आंसर दिया वो आपको रिव्यू दिखा दिया जाएगा। हम फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है 2-स्टेप वेरिफिकेशन का। 2-स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप कहीं भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के नेट बैंकिंग को लॉगिन करते हैं तो उसके बाद भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आप डालेंगे तभी आप नेट बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका आईडी पासवर्ड किसी को पता भी चल जाता है तो वो आपके मोबाइल के बिना आपकी आईडी को लॉगिन नहीं कर सकता है। तो इसका बहुत फायदा है। आप पहले वाले ऑप्शन को यहाँ पर टिक रहने देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है ऑल आर सेट, यानी हमारी नेट बैंकिंग अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। तो यहाँ पर करते हैं लेट्स गेट स्टार्ट। उसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर गोट इट पे क्लिक कर देते हैं। तो गोट इट पे क्लिक करने के बाद आप नेट बैंकिंग में इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। नेट बैंकिंग को लॉगिन करने के बाद आप अपने अकाउंट को यहीं से मैनेज कर सकते हैं, अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं, अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं, अपने कार्ड को यहीं से देख सकते हैं, कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल में अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ मैनेज करना चाहते हैं तो वो काम भी आप यहीं से कर सकते हैं। यहीं से आप अपने अकाउंट को लॉग आउट भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो व्यू बैलेंस पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें नीचे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन डिटेल आ जाएगी। यहीं से आप अपनी स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर आपके अकाउंट की डिटेल आ जाएगी, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, आईएफएससी कोड आ जाएगा। इसके नीचे यहाँ पर आपने कहाँ से लोन लिया है वो सब यहाँ पर आ जाएगी। यहीं से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, अपनी कार्ड की डिटेल को यहीं से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक करना है वो यहीं से कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड को भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप कोई फिक्स डिपोजिट ओपन करना चाहते हैं तो वो काम भी यहीं पर कर सकते हैं। यानी नेट बैंकिंग के इतने सारे फायदे, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है अगर आप एक बार नेट बैंकिंग में आईडी पासवर्ड ले लेते हैं। नेट बैंकिंग की आईडी पासवर्ड लेने का हमने पूरा प्रोसेस जान लिया है। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद अगर आप कभी भी नेट बैंकिंग को लॉगिन करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी आईडी यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी आईडी पासवर्ड बनाई है। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपकी आईडी सेव नहीं होगी तो यहाँ पर आपसे यूजर नेम मांगा जाएगा या सीआरएन नंबर डालकर भी आप अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद सेम आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। कोटक बैंक की नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड कैसे ले सकते हैं, कैसे उसको लॉगिन कर सकते हैं, आज ही हमने जान लिया है। इसके बाद इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि कोटक बैंक की नेट बैंकिंग में क्या क्या फीचर होते हैं और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।